आदर्श आचार संहिता लगते ही पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। साथ ही देर रात तक खुले रहने वाले शराब आहतों पर संचालकों को हिदायत दी गई है कि वह तय समय पर अपनी दुकानें बंद कर ले, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देर रात तक खुले रहने वाले शराब आहते पब और डिस्को थीक पर पुलिस अब बड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुकी है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है जिसके तहत इतनी देर रात तक खुले रहने पर प्रतिबंध है। कई बार इन शराब आहतों में बदमाश बैठकर वारजाप को अंजाम देने की प्लानिंग करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एएसपी रुचि वर्धन मिश्र ने शराब संचालकों को संदेश दिया है कि समय पर अपनी दुकानें बंद कर ले, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सभी थाना प्रभारियों को सूचित कर दिया गया है। इसी प्रकार होटल संचालकों और शहर में जितनी भी लॉज संचालित हो रही है उन्हें भी इजाजत दी गई है कि वह हर आने वाले ग्राहकों की जानकारी ले और संबंधित थाने पर इसकी सूचना दें। साथ ही मकान मालिकों को भी हिदायत दी गई है कि किरायेदार की पूरी जानकारी थाने में दे, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना प्रभारियों को यह भी हिदायत दी गई है कि कहीं पर अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। एक जो मुख्य इसमें बात है कि जो बार हैं या पब हैं, जो जितने आहाते हैं उनका जो नियम, जो नियमानुसार जो उनका समय है वो उस समय पर ही इनको बंद करें। उसके अगर जरा सभी ओवरशूट करते हैं तो उसमें जो शासन के निर्णय सक्षम जो आदेश है उसके उल्लंघन पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो सभी थानों को ये बताया गया है कि वो अपने अपने यहाँ इसकी तामीली सुनिश्चित कराएं। इनको पहले से भी बता दें कि किसी भी प्रकार से जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं होने पाए, अन्यथा उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। और अगर ऐसा कोई वायलेशन का केस पाया जाता है या कि 10 बजे के बाद में जो कोलाहल अधिनियम का अगर उल्लंघन पाया जाता है या संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो उन सब पे आदर्श आचार संहिता के चलते उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। होटल में जो लोग बाहर से आकर रुकते हैं उनके लिए भी कुछ निर्देश जारी किए हैं। इसमें जिला दंडाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग आकर के रुक रहे हैं या किराएदार हैं उनकी जानकारी वो थानों पर दें, और साथ ही जो इनके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनको भी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो 144 में अभी आदर्श आचार संहिता के तहत जितने भी ऑर्डर्स जारी हुए हैं उन सब का कंप्लायंस करने की अपेक्षा और अपील जो है वो आम जनता से की जा रही है। We'll be right back.